अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हिर्रा एंड यू गाइस आर वाचिंग ब्यूटीफाई बाय हिर्रा। सो आज की वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि है वाईसी की यूवी सनस्क्रीन लोशन। और इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर कर देती हूँ अबाउट सनस्क्रीन एंड सन ब्लॉक। सो हमें सनस्क्रीन या सन ब्लॉक क्यों यूज़ करनी चाहिए? नाउ सनस्क्रीन या सन ब्लॉक आपको इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि सूरज में होती हैं काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रावायोलेट रेज जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। सो इसलिए आपको मस्ट है कि आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक एवरी डे यूज़ करो। और आपको हमेशा सनस्क्रीन या सनब्लॉक वो यूज करनी चाहिए जो कि आपको प्रोटेक्ट करे यूवीए एंड यूवीबी रेज से। नाउ सनस्क्रीन या सनब्लॉक ना यूज करने की वजह से आपकी स्किन पर जो है वो सनबर्न हो सकता है, टैनिंग हो सकती है, आपके फेस पर डिस्कलरेशन हो सकती है, एजिंग हो सकती है, और आपकी स्किन पर जो है वो पिगमेंटेशन हो सकती है, और आपकी स्किन पर जो है वो डार्क स्पॉट्स भी हो सकते हैं। सो सनस्क्रीन या सनब्लॉक आपको इन तमाम चीजों से प्रोटेक्ट करती है और आपकी स्किन को जो है वो इवन करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। इसलिए आपको सनस्क्रीन या सनब्लॉक मस्ट यूज करना चाहिए और आपको एवरीडे यूज करना है। आप अगर बाहर जा रहे हो तब भी आप यूज करो, अगर आप घर में बैठे हो तब भी आपको यूज करना चाहिए। लाइक मॉर्निंग से इवनिंग तक सूरज होता है तो आपने मस्ट यूज करनी है सनब्लॉक या सनस्क्रीन। तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि मोर देन 50 SPF वाली सनस्क्रीन आपको बाय करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो 50 SPF वाली सनस्क्रीन भी दे देती है। सो आपको जो है 70-90 इस तरह की सनस्क्रीन भी आती है, सो आपको वो परचेज करने की जरूरत नहीं। लाइक 15-50 वाली जो सनस्क्रीन होती है आपने वही यूज करनी है। सो आज जिस सनस्क्रीन का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है वाईसी की यूवी सनस्क्रीन लोशन और इसमें है SPF 50 और ये आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम UVA एंड UVB रेज से। और ये 120 ml की क्वांटिटी है और इसकी प्राइस भी मैं आपके साथ ही साथ शेयर कर दूंगी। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से दिखती है गोल्डन बॉक्स में और इस साइड पर इसके तमाम इंग्रीडियंट्स मौजूद है, आप चाहो तो स्टॉप करके देख सकते हो। और ये प्रोडक्ट जो है वो मेड इन थाईलैंड है और यहाँ पर इनकी वेबसाइट भी मेंशन है और ये है सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और इस बॉक्स की थर्ड साइड पर मेंशन है कि ये है 120 ml की क्वांटिटी और ये आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम UVA एंड UVB रे से जो कि कॉज करती हैं ब्लेमिश, फ्रेकल एंड ड्राइनेस। और ये फॉर्मुलेटेड की गई है काफी ज्यादा फास्ट एब्जॉर्बिंग एंड इनकॉर्पोरेट जेंटल और ये हेल्प करती है मॉइस्चराइज करने में और प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को, जो है वो थोड़ा सा ब्राइट एंड स्मूदर फील करवाती है। और यहाँ पर मेंशन है कि इसमें कोई से भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स या फिर ब्लीच एडिड नहीं किया हुआ है और ये एक्सटर्नल यूज के लिए ही है। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस और आपको जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से इसको अवॉइड करना है। नाउ डायरेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इसको कैसे यूज करना है। आपने जेंटली मसाज करना है और इसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होने देना है। नाउ बात करें इसकी पैकेजिंग की तो इसकी पैकेजिंग जो है वो काफी ज्यादा क्लासी है। ये गोल्डन टाइप की इसकी पैकेजिंग है और ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है और उसके अंदर जो है वो ट्यूब फॉर्म में इस तरह से सनस्क्रीन आती है। तो ये सनस्क्रीन जो है वह मैंने काफी ज्यादा यूज किया है, सो आई थॉट कि मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो काफी ज्यादा यूनिक सी है और इसका कलर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। प्लस ये काफी ज्यादा रीजनेबल है, अगर आप टीनेजर हो, आप स्कूल गोइंग गर्ल हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हो तो आप इजिली यूज कर सकते हो। ये सेंसिटिव स्किन वाले भी इजिली यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं इसको एक ईयर से यूज कर रही हूँ और मुझे इसका कोई सा भी ऐसा साइड इफेक्ट फील नहीं हुआ। मैंने इस सनस्क्रीन को काफी ज्यादा यूज किया है, खुद पर भी टेस्ट किया है, प्लस अपनी सिस्टर पर भी इसको टेस्ट किया है। सो उसके बाद मैं आपके साथ जो इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। नाउ मेरी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ऑयली है और मेरी सिस्टर की स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर मैं दो ट्यूब्स इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने इसको काफी ज्यादा यूज किया है। ये बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है और रिसेंटली मैंने जो है वो न्यू परचेज किया है। नाउ आपको ये कहाँ से आप परचेज कर सकते हो? मैंने इसको लोकल मार्केट से परचेज किया है, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अगर मुझे कहीं से लिंक मिल गया तो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है, मैं आपको आगे चल के इसके जो है प्रोज एंड कॉन्स भी आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर मैं इसका आपको टेक्सचर चेक करवा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये बिल्कुल इस तरह से है व्हाइट कलर का, क्योंकि ये सनस्क्रीन है तो सनस्क्रीन ज्यादातर जो है वो व्हाइट कलर की ही होती है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर देती हूँ तो ये बिल्कुल इजिली ट्यूब से निकल जाती है, इतनी ज्यादा थिक नहीं है। और इस सनस्क्रीन की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल लोशन टाइप की है, ज्यादा थिक नहीं है। ये सनस्क्रीन काफी ज्यादा इजिली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाती है, प्लस इसका कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं है। बहुत ही स्लाइटली से आपको फील होगा कि आपकी स्किन जो है वो ब्राइट हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना इजिली ब्लेंड हो चुकी है और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने जो है वो सनस्क्रीन अप्लाई की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आपकी स्किन को जो है वो ब्राइट कर देती है एंड दैट्स इट। प्लस आपकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा मॉइस्चराइज फील करती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा मॉइस्चराइज कर देगी। और यहाँ पर अगेन मैं अपने हाथ पर आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें कोई सा भी ऐसे व्हाइट कास्ट आपको फील नहीं होती। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप तब भी इसको इजीली यूज कर सकते हो। हल्का सा आपके स्किन पर जो है वो ऑयल फील होगा, जैसे आपको बाकी सनस्क्रीन से भी फील होता है। मेरी स्किन जो है वो
काफी ज्यादा एक्सट्रीमली ऑयली है, इसलिए मेरी स्किन पर जो है वो थोड़ा सा स्वेटी फील होता है। बट आप उसके ऊपर जो है वो कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह यूज करके उसको सेट कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये बहुत ही बेस्ट होने वाली है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। आपकी स्किन जो भी हो, आप इसको परचेज करके ट्राई करके आप मेरे साथ रिव्यू शेयर कर सकते हो। प्लस अगर आपकी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। और ये सनस्क्रीन काफी ज्यादा लाइट वेट है, लाइक आपको काफी ज्यादा हैवी फील नहीं होता कि आपने काफी कुछ अप्लाई किया हुआ है। जैसे मैंने काफी ज्यादा डिफरेंट सनस्क्रीन यूज की है तो उनके साथ मुझे ये फील होता है कि मैंने काफी कुछ अप्लाई कर लिया है, बट ये काफी ज्यादा लाइट वेट है। प्लस इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस है और इसमें इतनी ज्यादा हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है जैसे बाकी सनस्क्रीन्स में होती है। टीनेजर हो जो भी हो, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बाकी आप बाय करना चाहते हो तो वो आपकी अपनी चॉइस है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वन मोर थिंग, अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कॉमेंट्स में या आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। और अगर आपको जो है वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो एंड टिकटॉक। लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक। एंड अल्लाह हाफिज़।